In this video, we will see small tag elements and mark tag elements. With the help of small tags, we can write any text in small size. तो अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें हम कोई कोटेशन बीच में जाते हैं, वो हमारी स्मॉल में शो हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम स्मॉल टैग को यूज़ करते हैं. जैसे इसमें मैंने डिफाइन किया, द एचटीएमएल स्मॉल एलिमेंट्स डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट. एंड एचटीएमएल मार्क्स एलिमेंट्स, द एचटीएमएल मार्क्स एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड. तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं कि यूज़र की जो प्रॉपर हमारा मतलब एक इंटेंशन जाए, प्रॉपर हम चाह रहे हैं हमारा यूज़र जैसे हमारे वेब पेज पर आए और उस प्रॉपर हेडिंग पे उसकी इंटेंशन हम चाह रहे हैं, तो उसे हम हाईलाइट कर देते हैं और मार्क कर देते हैं कि यूज़र उस पे ज़रूर फोकस करे एकदम. तो उस कंडीशन में हम मार्क को यूज़ करते हैं. तो एक प्रैक्टिकली इसमें हम ये बना के देखते हैं स्मॉलर के लिए. तो एक सबसे पहले हम इसे यूज़ कर लेते हैं. सिंपल पैराग्राफ को हमने लिया, ये कॉपी किया एंड पेस्ट. तो इसमें थोड़ा हेडिंग चेंज कर सकते हैं. तो हाय, दिस इज सिंपल इन्फ, सिंपल पैरा, ठीक है, इस तरीके से हमने किया. और नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसमें हम कर देते हैं हाय दिस इज स्मॉल लाइन इन पैरा. तो इस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे इसे अगर हमें स्मॉल करना होगा तो इसमें हम स्मॉल टैग यूज़ करेंगे और स्मॉल टैग के साथ ही इसे हम लास्ट में क्लोज करेंगे. तो स्मॉल टैग के साथ स्टार्ट किया, क्लोज किया, ठीक है. नीचे हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे हमारी यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे हमारी शो हुई है, ठीक है. तो इस कंडीशन में हमने देखा कि एक तो हमने लिखा है दिस सिंपल पैरा और उसी पैरा को सेम हमने जब लिखा और विद द हेल्प ऑफ स्मॉल टैग, तो ये हमारी जो लाइन है ये हाईलाइट हो गई स्मॉल के अंदर. अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लाइन को अगर हमें लिखना है तो इसके साथ तो हम इसे हेडिंग में भी यूज़ कर सकते थे, जिसमें हेडिंग है हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो इसका जो पर्टिकुलर एक हम यूज़ देखेंगे, वो पर्टिकुलर इसका यूज़ ऐसे होगा कि हम स्मॉल टैग को यहाँ से हटाकर, ठीक है, यहाँ से हमने हटाया तो इसे हमने यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ कॉपी करेंगे सिंपली. मोटा मैं गूगल से उठा के देखता हूँ कोई मिल जाता है पैराग्राफ. सिंपल इंफॉर्मेशन हम उठा लेते हैं कोई भी यहाँ से, हमें कोई मतलब थोड़ा सा हमें पैराग्राफ चाहिए किसी भी तरीके का मिल जाए, कोई भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो उसके अंदर, उसे हम प्रॉपर यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको सिंपल इन्फो गेट इन्फो सेम फास्ट. सपोज हम यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने कॉपी की यहाँ से दो लाइनें कॉपी करके और हमने अपने वेब यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया. इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं ताकि इजीली हमें समझ में आ सके, ठीक है. तो इस कंडीशन में हमने इसको लिया कॉपी पेस्ट करके. अब हम चाहते हैं कि प्रॉपर हम यहाँ से सिंपल जैसे नेट इज़ द बेस्ट वेब वेब पेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग माइक्रो कंटेंट, ठीक है. सपोज़ यहाँ तक हम चाह रहे हैं यहाँ से कि ये हमारा स्मॉल के अंदर शो हो, तो हम इस टैग को स्मॉल टैग को इसके अंदर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे. तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अदर लाइंस दिस लाइन हाईलाइट इन स्मॉल वे. तो यहाँ से हमने कॉपी किया, इसे पेस्ट कर यहाँ से सॉरी हमने रिफ्रेश किया तो हम देखेंगे हाई दिस स्मॉल लाइन इन पैरा सिंपल इन्फो बट नेट इज़ द बेस्ट वेब प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग माइक्रो कॉन्टेंट. ये यहाँ तक हमारा स्मॉल वे में शो हो गया. तो प्रॉपरली जो इसका हम यूज़ कर सकते हैं
वो किसी पैराग्राफ के मिड में अगर हमें कोई चीज़ शो करनी है तो उस कंडीशन के अंदर हम इसे शो कर सकते हैं। एक बेस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने कोई पैराग्राफ बनाया, सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, एक्स ठीक है प्लस वाई ठीक है इक्वल्स टू, ये हमने दिया यहाँ पर, तो एक्स वाई की होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर अगर हम देखेंगे, ये गाइस मैं मैथ मेरी कोई अच्छी नहीं है, मैंने सिंपली एक बस एक ऐसे ही रफ में एक एग्जांपल के तौर पे कुछ मैंने फार्मूला से लिया है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि हमने एक यहाँ पे लिए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है, टू तो आ रहा है, लेकिन स्मॉल में ये हमारा क्या इक्वल इसका आ रहा है टू के, तो हम चाह रहे हैं अगर ये स्मॉल में शो हो जाए हमारे, तो प्रॉपर इसको हम यहाँ पर स्मॉल टैग से स्टार्ट करके और स्मॉल टैग से ही क्लोज कर देंगे, सॉरी। ठीक है, और इस पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो टू की जो है ये, अब हमें लग रहा है कि जैसे एक्स वाई की पावर टू है ये, ठीक, पहले क्या इक्वल लग रहा था उसके, ठीक है, तो थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन ये वाला भी मैं आपको फॉर्मेट से कहूँगा भी कि अगर हमें क्यूब में लगाना हो, पावर शो करानी हो, ठीक है, तो उसे किस तरीके से शो कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि इस तरीके से भी इसका यूज़ हो सकता है। तो स्मॉल कंडीशन का हम ये यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज के अंदर कोई हमें अपना एक ऐसा हाई मतलब हाइड मैसेज शो करना है कि उसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं यूज़र तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, तो उस कंडीशन के अंदर हम कोई भी अपना कंटेंट है या कोई हम हेडिंग है, ठीक है, तो उसे स्मॉल वे में शो करा सकते हैं यहाँ पे। ये भी इसका एचटीएमएल का एक फीचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट था मार्क। तो मार्क की कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि मार्क का यूज़ हमने देखा था कि कोई भी किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए कि यूज़र की इंटेंशन प्रॉपर उसी पर जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी वर्ड को, पैराग्राफ को एंड किसी भी हेडिंग को हम हाईलाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्क टैग। मार्क टैग का काम यह होगा कि वो किसी भी जिस वर्ड के या किसी भी कंटेंट के साथ हम मार्क टैग को यूज़ करेंगे, उसे हमारे वेब पेज पर हाईलाइट करेगा, शो करेगा, ठीक है। और आई थिंक इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो येलो होता है, येलो कलर से उसे शो कर देगा मार्क करके उसको। तो इस कंडीशन में उसे देखते हैं, रिफ्रेश करके पेज को, इसको रिफ्रेश किया हमने, और सॉरी ये तो बाय डिफॉल्ट मेरा कलर ही येलो है तो वो शो नहीं कर रहा। मैं काम कर रहा था, मैं बॉडी कलर यहाँ से अपना थोड़ा सा ग्रीन हटा, यहाँ से हटा के येलो, ठीक है, और कोई डिफरेंट कर देते हैं, जस्ट लाइक ग्रे, ग्रे कलर हमने किया और इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि हमारा जो प्रॉपर मैसेज है वो मिल्क है, तो इसमें हमने मैसेज दिया हुआ था एक, वो मैसेज है हमारा टू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे। तो मिल्क जो है वो एक सब्जेक्ट को हमने इम्पोर्टेंस दी कि मिल्क जो है वो आज के दिन में लेकर आना है, ठीक है, तो आज दूध को लाना भूलना नहीं, तो लेकिन इम्पोर्टेंस हमने दिए मिल्क को कि दूध लाना नहीं भूलना आज, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि मिल्क को हमने हाईलाइट करा है यहाँ पे। तो ऐसे ही कोई भी बहुत सारे पैराग्राफ हम यूज़ करके देख सकते हैं। सपोज़ हमने ये अभी ये पैराग्राफ लिया था, इसे वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दोबारा से, कॉपी किया इसको हमने और यहाँ पर हमने टैग पैराग्राफ के अंदर इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कराएंगे। इसे एक्चुअली थोड़ा सा मैं लाइंस में ट्राई कर दूँ,
गाइस ये जो थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ ना, इंटर के थ्रू लाइन को तीन मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये सिर्फ मेरे नोट पैड पर ही डिवाइड हुआ है, पर्टिकुलर मेरे वेब पेज पर ऐसे शो नहीं होगा। अगर मुझे वेब पेज पे करना है तो मुझे बी आर जो मेरा टैग है उससे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में सपोज चलिए मैं ऐसे भी कर देता हूँ उसे, यहीं से मैं डिवाइड कर देता हूँ बी आर करके, और जो मेरा शो होगा वो इसी तरीके से शो होगा जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो इस कंडीशन में हम चाह रहे हैं जो ये हमारा पैराग्राफ है ये, तो ये स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है कहीं से भी हम डॉट से नेट की नेट से लेकर ये फर्स्ट मार्क जो फर्स्ट लाइन हमारी पूरी हाईलाइट हो जाए। तो उस कंडीशन में हमने इसे सेव किया या रिफ्रेश किया, हम देखेंगे गाइस हमने जो अपनी लाइन को हमने मार्क किया हुआ है तो वो पूरी हमारा सिंपल जो है वो किस कलर में आ रहा है, ब्लू कलर में, क्योंकि बॉडी कलर में जो हमने टेक्स्ट में दे रखा है उसका टेक्स्ट कलर पूरी बॉडी पे ब्लू दे रखा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या ये प्रॉपर तरीके से ब्लू प्ले होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन जो हमने मार्क किया हुआ है पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट पे विद द हेल्प ऑफ मार्क टैग, उस कंडीशन के अंदर क्या ये हमारी लाइन प्रॉपर हाईलाइट होगी हमारे वेब पेज के ऊपर, ठीक है। तो जो भी मैसेज हम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि यूज़र्स हमारा प्रॉपर इस चीज़ पे मतलब शो करे प्रॉपर, यूज़र को यूज़र इसकी तरफ इंटेंशनली इसे सर्च करे कोई भी हम चाहते हैं, तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मार्क्स टैग को हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो अभी इस वीडियो के अंदर अभी ये रखते हैं स्मॉल एंड मार्क को, ठीक है। अभी कुछ फॉर्मेटिंग्स एलिमेंट ही इसके अभी रह गए हैं, काफ़ी सारे रह गए हैं, अभी डिलीट का रह गया है, इंस रह गया है हमारा, इंसर्टेड टेक्स्ट जो हम करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट, ये सब हमारा रह गया है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इन सबको भी देखेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, बाय बाय।